हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से आप एक फाइल को रीड कर सकते हैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। सो इसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे एफ गेट सी फंक्शन। एफ गेट सी फंक्शन इज़ यूज्ड टू रीड अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम अ फाइल। याद रखिएगा, एक सिंगल कैरेक्टर रीड करने के काम आता है ये एफ गेट सी। एफ गेट सी फंक्शन रिटर्न्स फॉल्स व्हेन देयर आर नो मोर कैरेक्टर्स टू रीड। यानी कि सारा कैरेक्टर खत्म हो जाए आपके फाइल में तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इसका सिंटैक्स है एफ गेट सी लिखते हैं आप, देन यहाँ आप फाइल हैंडल अपना लिखते हैं। एग्जाम्पल एफ गेट सी और हैंडल मैंने लिखा, इसका हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा फाइल है ये है हेलो मैंने लिखा हुआ, देन न्यू लाइन में गीकी सोर्स, देन न्यू लाइन में वर्ल्ड लिखा हुआ है। अभी हम लोग एफ गेट सी का इस्तेमाल करके उस फाइल को रीड करेंगे। तो सबसे पहले हमें फाइल को ओपन करना पड़ेगा, तो मैं फाइल को ओपन कर रहा हूँ। हैंडल इक्वल, ये हमारा फाइल हैंडल है। देन एफ ओपन का यूज़ करके हम लोग फाइल को ओपन करेंगे। यहाँ हम लोग एफ ओपन के अंदर में लिखेंगे अपने फाइल का नाम जिसको हमें ओपन करना है विथ एक्सटेंशन, मैंने लिख दिया। कॉमा देकर मैं लिखूँगा किस मोड में ओपन करना है मुझे, रीड मोड में ओपन करना है तो मैंने आर लिख दिया। सेमीकोलन देकर इसको बंद करते हैं। अभी सिर्फ मैं एफ गेट सी का एक छोटा सा आपको डेमो दिखाता हूँ, पूरे फाइल को हम लोग अभी रीड नहीं कर रहे हैं। मैं एको करवा देता हूँ या फिर एक कैर हम लोग बनाते हैं इक्वल, और यहाँ हम लोग रिटर्न करवाते हैं एफ गेट सी जो हमें देगा। ठीक है, तो एफ गेट सी और फाइल हैंडल ये लेता है अपने आर्ग्यूमेंट में। तो फाइल हैंडल हम लोगों ने अपना दे दिया। फाइल हैंडल हमारा क्या, फाइल हैंडल हमारा ये, इसको फाइल पॉइंटर भी कहते हैं कुछ लोग, याद रखिएगा जो बातें मैं बोलता हूँ, क्योंकि कभी कभी फाइल पॉइंटर भी आपको सुनने को मिलेगा। ठीक है, सो एफ गेट सी क्या रिटर्न करेगा, इस फाइल हैंडल का एक पहला करेक्टर रिटर्न करेगा जो कि जाकर स्टोर होगा यहाँ। तो फाइनली आप इसको एको करवा सकते हैं, यानी कि कैर को आप एको करवा लीजिए तो एक करेक्टर आपको मिल जाएगा। सेव किया मैंने, सेव करने के बाद अगर आप इसको अभी रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ आपको एच मिल जाता है जो कि हेलो का पहला वर्ड है, यानी कि पहले लाइन का पहला वर्ड जो कि हेलो है, तो ये आपको यहाँ मिल जा रहा है, मतलब आउटपुट में यहाँ स्क्रीन पर। ओके, वापस से आ गए और हम लोग देखते हैं कि अब इसका इस्तेमाल करके आप किस तरीके से पूरे फाइल को रीड कर सकते हैं एक एक करेक्टर को, याद रखिएगा। अच्छा, मैंने आपको एक बात शायद बताया नहीं होगा, एफ गेट्स में भी और एफ गेट सी में भी ये हर एक कॉल के साथ अपने नेक्स्ट करेक्टर को पॉइंट करता है, और यही हमें काम आएगा वाइल लूप में। ठीक है, इसकी ये जो इसका ये जो फीचर है ये हमें नेक्स्ट मतलब वाइल लूप में काम आएगा पूरे फाइल को रीड करने में। अभी ये जो मेरा जो ये स्टेटमेंट है क्लियर हो जाएगा, अभी मैं वाइल लूप लगा कर आपको दिखाता हूँ। यहाँ मैंने वाइल लगाया और इसको हम लोग इसके अंदर रख देते हैं, इसके अंदर रख दिया मैंने, और हम लोग यहाँ से इसको हटाते हैं, यहाँ लिखते हैं ये, और यहाँ हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एको करवा देना है अपना ये, इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद इसको रन करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या आपको आउटपुट मिलेगा। इसमें आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा, जैसे कि हेलो गीकी सोज वर्ल्ड। हालांकि ये न्यू लाइन में मिला नहीं है, बट सारा कैरेक्टर तो मिल गया, सारा कैरेक्टर तो रीड हो गया। ये कैसे रीड करता है, ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, यानी कि जब पहले कैरेक्टर ये रीड करेगा तो यहाँ आ जाएगा क्या, जो पहला कैरेक्टर जैसे कि एच है, तो एच आपको डिस्प्ले होकर दिखाई देता है, फिर से ये रिटर्न वाइल लूप चलता है। दूसरा कॉल के साथ ये दूसरे कैरेक्टर को पॉइंट करता है जो कि एच ई, कहाँ गया मेरा फाइल, यहाँ। तो अब ये इस कैरेक्टर को पॉइंट करता है और ये जाकर स्टोर होता है कैर में, और आपको ये डिस्प्ले होकर दिखाई देता है। फिर तीसरे कॉल के साथ ये तीसरे कैरेक्टर को पॉइंट करता है, और इस तरीके से वन बाय वन पॉइंट करता जाता है, और यहाँ जब आता है एकदम इंड में, जब कोई कैरेक्टर नहीं बचता तो ये फॉल्स रिटर्न करता है, और अल्टीमेटली ये आपका पूरा का पूरा क्या हो जाता है, फॉल्स। ठीक है, जब फॉल्स हो जाता है तो आपका ये लूप बंद हो जाता है। सो सेव करने के बाद अगर आप इसको देखें तो आपको सारा कैरेक्टर तो मिल जा रहा है, बट फाइल में जैसा लिखा है मुझे वैसा आउटपुट चाहिए, यानी कि न्यू लाइन में हेलो एक लाइन में होना चाहिए, गीकी सोज एक लाइन में, और तीसरे लाइन में होना चाहिए वर्ल्ड। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ देखिए इस फाइल में यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब स्लैश एन है। ठीक है, तो स्लैश एन मतलब ऐसा एज्यूम कर रहे हैं हम लोग कि है स्लैश एन, एज्यूम क्या वहाँ है। ठीक है, तो उस स्लैश एन को आपको ब्राउज़र में प्रिंट करने के लिए उसको रिप्लेस करना पड़ेगा HTML के टैग से, जिससे कि उसमें उसका इफ़ेक्ट आपको दिखाई दे। इसको अगर आप व्यू सोर्स में करके देखें तो आपको सही चीज़ें दिखाई देंगी कि हाँ सही है, यहाँ स्लैश एन है, यहाँ स्लैश एन है, और यहाँ पर स्लैश एन है। लेकिन ये जो स्लैश एन है यहाँ,
यहाँ पर जो सिलेक्शन है ये ब्राउज़र में तो दिखाई नहीं देगा, तो यहाँ इफेक्ट पड़े इसका, यानी कि वेब ब्राउज़र में इसका इफेक्ट पड़े, इसीलिए आप या तो उसको प्री टैग के अंदर लिखिए, तो प्री टैग के अंदर लिखेंगे तो आपको दिखाई देगा, और नहीं तो आप क्या कीजिए कि उस स्लैश एन को रिप्लेस कर दीजिए लाइन ब्रेक के टैग्स जो एचटीएमएल में काम आता है। तो चलिए उसी को करते हैं, हम लोग लाइन ब्रेक करते हैं यहाँ, रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल सा इफ़ स्टेटमेंट लगाएंगे। देखिए, इफ़ कार इक्वल, नहीं इक्वल इक्वल नहीं इक्वल नहीं नहीं इक्वल इक्वल, बिकॉज हमें कभी असाइन नहीं करना है, स्लैश एन, जब भी ये करेक्टर को रीड करेगा, जब भी ये एफ गेट सी ये करेक्टर यहाँ रीड करे, तब क्या करना है, तब आपको कैर इक्वल कर देना है जो बी आर टैग है हमारा, यानी कि ये वाला। ठीक है, इससे क्या होगा कि स्लैश एन जब भी कैर के पास आएगा, ये उसको उसको स्लैश एन को हटाकर इसको लिख देगा, और बाद में ये डिस्प्ले हो जाएगा, तो उससे एक आपको न्यू लाइन मिल जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात, ध्यान से समझिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, वरना मुझे फिर से पेन निकालना पड़ेगा, क्योंकि पेन के विदाउट पेन इसको और बेहतर तरीके से, मतलब लिखे बिना तो एक्सप्लेन इतना ही हो सकता है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि क्या क्या हो रहा है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, न्यू लाइन वाला कॉन्सेप्ट देखिए, जब ये पहली बार होगा तो ये पहला करेक्टर रिटर्न करेगा, यानी कि एच, जो कि कैर में जाकर स्टोर होगा। यहाँ चेक किया जाएगा कि एच इक्वल इक्वल ये है नहीं है, बिकॉज ये एच है, इसके इक्वल नहीं है, तो ये पूरा रन नहीं करेगा, बल्कि एच आपका डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पर और आपको एच दिखाई देगा। फिर से लूप रन करेगा, फिर से ये हर एक कॉल में नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट करेक्टर को पॉइंट करता है, तो ये नेक्स्ट करेक्टर में क्या आपके पास आएगा, यानी कि ई, और कैर में ई आएगा, फिर से यहाँ ई चेक किया जाएगा, ई है इसके इक्वल नहीं है, तो ये फिर से रन नहीं करेगा और ई आपको इस स्क्रीन पर दिखाई देगा, और एच और ई दोनों डिस्प्ले हो चुका है आपके वेब ब्राउज़र में। फिर से लूप चलेगा, फिर से ये नेक्स्ट कैरेक्टर को पॉइंट करेगा, यानी कि एल को पॉइंट करेगा, और एल आएगा कैर में, और ये फिर से चेक करेगा एल, और ये कंपेयर करेगा नहीं है, तो फिर एल प्रिंट होगा। फिर से ये लूप चलेगा, फिर से नेक्स्ट कैरेक्टर में, इस तरीके से ये नेक्स्ट कैरेक्टर को पॉइंट करता जाएगा और कैर पे स्टोर होता जाएगा, कंपेयर होता जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे कि आता है और यहाँ उसको मिल जाता है स्लैश एन, इन केस स्लैश एन मिल गया, यहाँ कंपेयर करेगा स्लैश एन इक्वल इक्वल स्लैश एन, हाँ है, चूँकि है तो इसलिए कैर में क्या कर दो, पहले स्लैश एन था बट अब कैर में ये कर दो, कैर में ये कर दिया गया, तो कैर में डिस्प्ले हो जाएगा ये वाला, और ये वाला एचटीएमएल में क्या करता है, लाइन ब्रेक करता है, तो हेलो के बाद एक लाइन ब्रेक मिलेगा, और बाकी के जो करेक्टर नेक्स्ट करेक्टर जो होगा वो उसके नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले होकर आपको ब्राउज़र में दिखाई देगा, जो कि मैं अभी आपको रिफ्रेश करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ देखिए, हेलो गिकीसोस वर्ल्ड, ठीक है, तो पूरा ये इस तरीके से काम करता है, और इसमें कुछ भी नहीं है, बस इतना ही है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, इस कोड को कंप्लीट करने के लिए, कि आपने जो फाइल ओपन किया है उस फाइल को आप, बेशक आपको क्लोज करना चाहिए, तो आप इसमें पास कर दीजिए हैंडल, और ये फाइल हो गया क्लोज़। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर कोड हुआ इसको रीड करने का, और रीड करने के बाद हमने इसको क्लोज़ कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप करेक्टर बाय करेक्टर यूज़, मतलब रीड कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है इस लूप को समझने के लिए कि ये हर कॉल के साथ अपने नेक्स्ट करेक्टर को पॉइंट करता है, गेट सी हर कॉल के साथ अपने नेक्स्ट करेक्टर को पॉइंट करता है, उसी तरीके से गेट गेट एस जो हम लोगों ने पहले पढ़ा, गेट एस हर कॉल के साथ न्यू लाइन को पॉइंट करता है, जिससे कि वहाँ जब हम लोगों ने वाइल लूप का यूज़ किया था तो वो हर एक लूप के साथ अपने नेक्स्ट लाइन को डिस्प्ले करता था। ठीक है, वहाँ मैंने नहीं बताया था शायद, तो यहाँ पर आप लोग उसका भी ध्यान रखेंगे। ओके, सो बस इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।